राज्य के मुख्यमंत्री जी का ये बयान, विधानसभा का सत्र तय होते ही विधायकों के नाम आसमान छू रहे हैं। ये चुने हुए विधायकों का अपमान है, ये विधानसभा का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। बयान भी वो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं जो लगातार 16वें दिन अपने विधायकों को अपना समर्थन जुटाने के लिए बाड़ेबंदी किए हुए हैं, एक मिनट भी पुलिस के संगीन पहरों से उनको छूट नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि आज सबको चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में लेकर गए हैं, जहां बाड़ाबंदी 14 दिन और रखेंगे। पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर एक साथ एक महीने से बड़ी बाड़ाबंदी, मैं समझता हूं ये एक इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। और ये इतिहास भी उस समय बना रहे हैं जब राजस्थान में कोरोना का कहर बरपा है। राजस्थान के अंदर 40,000 से ज्यादा संक्रमित आज रोगी हैं, 1156 आज एक दिन में रोगी पाए गए हैं, मृत्यु का आंकड़ा 700 को छू रहा है, टिड्डी लगातार हमला कर रही है, इंद्रदेव रूठा हुआ है, सूखे के आसार है। ऐसे समय में किसान की रहनुमाई नहीं कर और अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं मैं मांग कर रहा हूं राज्य के मुख्यमंत्री जी से कि आपने अपने जन घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल के दामों को तर्कसंगत करते हुए जीएसटी में के दायरे में लाने की बात कही थी। आप दिल्ली के तर्ज पर, दिल्ली सरकार की तर्ज पर वेट क्यों नहीं अटकटाते? अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो पेट्रोल पर वेट 26% था, इस कांग्रेस के शासन काल में बढ़कर 38% हो गया। और जो भारतीय जनता पार्टी में के समय कार्यकाल में वेट डीजल पर 18% था, वो बढ़ाकर 28% कर दिया। एक और डीजल और पेट्रोल की खपत से आम उपभोक्ता को पर प्रहार हो रहा है, वही दूसरी ओर राजस्थान की जर्जर कानून व्यवस्था ये सवाल कर रही है सरकार कहां गायब है, अदृश्य हुई है सरकार, आज होटलों में है। और मुख्यमंत्री जी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। मैं समझता हूं उन्होंने निश्चित तौर पर अपने ही विधायकों से कोई मोल तोल किया होगा, ताकि उनको बाड़ाबंदी से इसीलिए लिए बैठे हैं, उन्हें डर है, अपने खिलाफ विद्रोह का डर है, इसीलिए पॉलिटिकल टूरिज्म का एक नया इतिहास मुख्यमंत्री जी रच रहे हैं।